बंगाल के एक छोटे से गांव सोनापुर में कुछ बहुत ही डरावनी घटनाएं हो रही थीं। गांव के लोग अपनी नींद में अचानक मर रहे थे। सब लोग डरे हुए थे क्योंकि ये सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा था। पहले किसी को समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे गांव में बातें फैलने लगीं कि शायद ये कोई आत्मा या बुरी ताकत का काम है। राजू नाम का एक लड़का जो गांव में रहता था बहुत परेशान था। उसके दोस्त बाबू और सुनीता भी उसके साथ थे। वो जानना चाहते थे कि आखिर गांव में क्या हो रहा है। राजू और उसके दोस्तों ने पता लगाया कि मरने वाले लोगों ने मरने से पहले एक ही चीज बताई थी। सबको बुरे सपने आ रहे थे। उन सपनों में एक आदमी दिखता था जो उनका पीछा करता और फिर उन पर हमला कर देता था। राजू को भी धीरे धीरे डर लगने लगा कि कहीं वो भी अगला शिकार न बन जाए। एक रात जब राजू सोया, उसे भी वही बुरा सपना आया। सपने में एक काले कपड़े वाला आदमी उसके पीछे पीछे आ रहा था। राजू भागने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी टांगें जैसे जम गई थीं। तभी उसकी नींद खुल गई। उसे समझ आ गया कि ये वही शिकारी है जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं। राजू ने बाबू और सुनीता के साथ मिलकर गांव के बड़े बुजुर्गों से बात की। उन्होंने बताया कि ये कोई साधारण बीमारी नहीं, बल्कि एक पुरानी आत्मा है जिसे रात का शिकारी कहते हैं। वो लोगों के सपनों में आकर उन्हें मार देता है। उसकी ताकत लोगों के डर से बढ़ती है। राजू और उसके दोस्त बहुत घबरा गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। गांव के पास एक पुराना तांत्रिक रहता था। राजू और उसके दोस्त उससे मदद लेने गए। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि इस शिकारी को केवल सपनों में हराया जा सकता है, असल दुनिया में नहीं। उसने राजू को एक खास मंत्र दिया जिससे वो सपने में जाकर शिकारी का सामना कर सके। राजू ने हिम्मत जुटाई और सोने का फैसला किया। जैसे ही वो सोया, उसे फिर वही काले कपड़े वाला आदमी दिखा। लेकिन इस बार राजू तैयार था। उसने तांत्रिक का दिया हुआ मंत्र पढ़ा और शिकारी से लड़ाई शुरू कर दी। लड़ाई बहुत लंबी चली, लेकिन आखिर में राजू ने शिकारी को उसके ही सपनों में बंद कर दिया। अगले दिन गांव में सब ठीक था, कोई भी मरा नहीं था और सबके चेहरे पर राहत थी। राजू और उसके दोस्तों ने एक बड़ा खतरा टाल दिया था, लेकिन तांत्रिक ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर लोग फिर से डरने लगें, तो वो शिकारी वापस आ सकता है। तो भाई, अगर कभी बुरे सपने आए तो बस हिम्मत मत हारना। कौन जाने, वो शिकारी फिर से आ जाए।